क्या लगता है 2024 के लोकसभा इलेक्शन को? बीजेपी आए बतेरे कर रहे हैं, करने को तो कर ही रहे हैं। पब्लिक तो फ्री का राशन चाहिए, कुछ भी झूठ बुलवा लो उनसे। तो क्या लगता है उनमें से कौन जीतेगा? तिवारी आएगा और कोई नहीं आने वाला। 10 साल से मनोज तिवारी खड़े हैं यहाँ पे, फिर से मनोज तिवारी, फिर से मनोज तिवारी आएगा। कन्हैया नहीं आएंगे? नहीं, कन्हैया नहीं आएगा भाई। मोदी की सरकार में है तो काम तो अच्छा करना पड़ेगा, और नहीं कौन वोट देगा? कांग्रेस कुछ अच्छा नहीं कर रही? नहीं, कांग्रेस तो बेकार। क्या नहीं पसंद आपको कांग्रेस के पास? कांग्रेस का तो कुछ भी पसंद है ही नहीं। राहुल गांधी की पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा करवाई थी, क्या लगता है उससे कुछ फर्क पड़े? उसे बोलने का नहीं पता ना कुछ पता, उसको क्या पता उसको बताओ, उससे क्या बात करनी। वजह से जाने जाते हैं मोदी? काम की वजह से ही जाने जाते हैं। अभी श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि में भी नारियल फूटने वाला है सन 2000, इसके बाद ही 4 तारीख के बाद ही फूट जाएगा। मोदी का उसका बोलचाल अच्छा, बोलचाल अच्छा। राहुल गांधी का तो जी, राहुल गांधी तो अब है ही नहीं, कहीं दूर दूर तक ही नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है तनिष, आप सब देख रहे हैं सोगन टीवी। 2024 की लोकसभा इलेक्शन सर पर है, गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है। आम जनता का मूड क्या है, उनसे जानते हैं कि इस बार 2024 की इलेक्शन कौन जीतेगा। तो आइए, नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? राजकुमार। क्या लगता है 2024 की लोकसभा इलेक्शन कौन जीतेगा? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, कुछ काम करे इस बार उसने? बतेरे कर रहे हैं, करने को तो कर ही रहे हैं। पब्लिक तो फ्री का राशन चाहिए, कुछ भी झूठ बुलवा लो उनसे तो। अच्छा, मेरे को ये बताइए, यहाँ से 2 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो क्या लगता है उनमें से कौन जीतेगा? तिवारी आएगा और कोई नहीं आने वाला। 10 साल से मनोज तिवारी खड़े हुए यहाँ पे, फिर से मनोज तिवारी आएगा? फिर से मनोज तिवारी आएगा। कन्हैया नहीं आएंगे? नहीं, कन्हैया नहीं आएगा। बात करें कन्हैया की, 8 से 9 साल पहले वो तिहाड़ जेल में बंद थे और वो बोल रहे थे कि भारत को एकदम अलग कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, कौन कर रहा है भारत को अलग, ऐसे थोड़ा ही हो जाएगा। मनोज तिवारी ने इस बार कुछ काम करे? हाँ, पिछली योजना में कुछ काम किया है, अभी तो देखो अब आएगा जब भी पता लगेगा। मतलब अच्छा काम कर रहे हैं वो, बढ़िया काम कर? हाँ, बिल्कुल बढ़िया कर रहा है भाई। मोदी की सरकार में है तो काम तो अच्छा करना पड़ेगा, और नहीं कौन वोट देगा? कांग्रेस कुछ अच्छा नहीं कर रही? नहीं, कांग्रेस तो बेकार, खत्म। क्या नहीं पसंद आपको कांग्रेस के बारे में? कांग्रेस का तो कुछ भी पसंद है ही नहीं। बात करें राहुल गांधी की, पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा करवाई थी, क्या लगता है उससे कुछ फर्क पड़े? उसे बोलने का नहीं पता ना कुछ पता, उसको क्या पता उसको बताओ, उससे क्या बात करनी। मतलब ऐसे बोलता रहता है? ऐसे ही बोलता रहता है, काम कुछ करके नहीं दिखाते वो तो बोलते। जब वो अब उस सीट पर आएगा, लोकसभा की सीट पर जीतेगा कहीं से, जभी तो काम करेगा। जब कुछ आएगा नहीं तो करेगा कहाँ से? वो तो बोलते हैं कि सब कुछ काम हम ही कर रहे हैं, मोदी और कुछ काम कर ही नहीं रहे। तो मोदी नहीं कर रहा तो हटा दो मोदी को। क्यों जी, तुम काम कर लो, मोदी को हटा दो, तुम बैठ जाओ। बात करें राहुल गांधी की, इंजाम लगाते हैं कि मोदी भगवान के नाम पर वोट चुरा रहे हैं, तो ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, काम की वजह से जाने जाते हैं मोदी। काम की वजह से ही जाने जाते हैं। अभी श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि में भी नारियल फूटने वाला है सन 2000, इसके बाद ही 4 तारीख के बाद ही फूट जाएगा। वो भी बनाएगा, राम मंदिर तो बन ही गया, तो राड खत्म ही कर दी उसने, जिस पर विवाद था वो तो खत्म ही हो गया। अब इसका फंसा हुआ है, इसका भी निकल जाएगा। क्या नाम है भाई आपका? सूरज। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? भाई सरकार तो मोदी की बनेगी। मोदी की बनेगी, क्या अच्छा लगता है आपको मोदी के बारे में? देखो मोदी का चेहरा, उसका बोलचाल अच्छा लगता है। बोलचाल अच्छा लगता है? हाँ, काम अच्छा करते हैं, क्लियर बोलता, सपा बोलता, काम अच्छा कर रहे हैं वो। हाँ, काम तो अच्छा कर रहे हैं। राहुल गांधी का कैसा काम लगता है? राहुल गांधी का तो जी, तो अब राहुल गांधी तो अब है ही नहीं, कहीं दूर दूर तक ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि सब कुछ काम हम ही कर रहे हैं, मोदी कुछ काम नहीं कर रहा। देखो मोदी तो, देखो मोदी 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 है, ठीक है, और ऐसी बात नहीं है कि मोदी की जगह तो कोई ले ही नहीं रहा अभी तक तो। अच्छा, मुझे ये बताइए यहाँ से मनोज लेने वाला आएगा अब, ठीक है, जब मोदी का आएगा कोई टिका ही नहीं, मोदी की बराबरी कोई अगर कोई है तो बता दो कोई, आप भी खुद देख लो, अगर मोदी की बराबरी में कोई है तो, ना मोदी के कोई आगे ना कोई पीछे। वो तो इंजाम लगा रहे हैं कि मोदी भगवान के नाम पे वोट चुराते जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देखो जो कहने वाले कहते रहते हैं, कहने वाले 10 मुंह है 10 बातें। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कांग्रेस ने आज तक कुछ काम करके दिखाया? देखो जी, अब तो 10 साल हो गए, अब तक तो कांग्रेस ने कोई काम करा नहीं, कुछ भी नहीं करा, बस ऐसी बोलती जा रही है, बोलती जा रही है बस। अगर करे तो भैया दिखाया हमें भी, कि यहाँ पे पहले करके दिखाया, जो आगे पता लगे ना कि हाँ भाई हमने करा है। कांग्रेस से आपको कुछ सुविधाएं नहीं मिली, बट मोदी से सब कुछ मिलती जा रही है। मोदी से तो मोदी सुविधा दे ही रहे, किस चीज़ में सुविधा नहीं दे रहा बताओ? क्या क्या चीज़ अच्छी लग रही है आपको उनके बारे में? उसकी तो हर चीज़ अच्छी है। अब वो तो कहने वाले, अब देखो कुछ भी कहते रहे, मगर राहुल गांधी भाई दूर दूर तक नहीं है। अच्छा, हाँ, यहाँ से मनोज तिवारी और कन्हैया अगर अपना भाई जगह मन रोटाव बना सकता है तो भाई पहले काम करके दिखाए, उसके बाद अपना नाम बनाए। अब यह था कि जो बातों से बात करने से नहीं होता कुछ भी, कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो कुछ नहीं है, पहले करके दिखाए कि हाँ भाई हमने ये करा, ठीक है, उसके बाद इलेक्शन के बारे में, फिर उसके बाद वोट के बारे में सोचे ना कि आप ही नहीं कर रहा तो हम आप इसके लिए सोचे। आप खुद समझदार हो यार, उस चीज़ को तो हम देखो खुद, इस चीज़ को हम तो जानते हैं बस। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।